हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी क्रीम के बारे में जो हर घरों में मैक्सिमम घरों में यूज़ होती है, कोई ना कोई उसको यूज़ ही करता है, कोई लेडीज़ यूज़ करती हैं, बहुत से जेंट्स यूज़ करते हैं। वो क्रीम है हेयर रिमूवल क्रीम, बाल को हटाने वाली क्रीम। एक फेमस क्रीम का नाम बता देता हूँ, वीट क्रीम। आप जो है सभी लोग जानते हैं इस क्रीम के नाम को, तो एक पर्टिकुलर ब्रांड की बात नहीं हो रही है, एक क्रीम के बारे में आपको एग्जांपल देके मैंने बताया है। तो आज हम बात करेंगे हेयर रिमूवल क्रीम जो होती है, ये आपकी बॉडी के ऊपर किस तरह से काम करती हैं, आपके बालों को किस तरीके से हटाती हैं, और किन किन लोगों को ये क्रीम बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, और हमें किस किस बॉडी पार्ट पर, अपने किस किस बॉडी पार्ट पर ये क्रीम कभी यूज नहीं करनी चाहिए, इस क्रीम के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं आपके आने वाले टाइम में, सारी जानकारी ए टू जेड इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो ये वीडियो एक बार पूरी जरूर देख लेना, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम अपने स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं ये क्रीम हमारी बॉडी के ऊपर काम कैसे करती है, ये हमारे बालों को कैसे हटा देती है। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे जो बाल होते हैं इनके अंदर एक प्रोटीन होता है केराटिन नाम का। आपने अक्सर सुना होगा, एडवर्टीजमेंट देखी होंगी, जो हमारे बालों के शैम्पू या फिर जो तेल होते हैं उनके अंदर आपने एडवर्टाइजमेंट सुनी होगी, उसके अंदर केराटिन का नाम आता है। जैसे हमारा ट्रेस्मी योगर्ट केराटिन एक शैम्पू है, उसके ऐड आती हैं, तो उसमें भी केराटिन का नाम लिया जाता है। तो अब ये जो क्रीम है, इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट डले हुए हैं, यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। इनका जो मेन जो इंग्रेडिएंट है, यानी कि आपको मेन जो ड्रग है इस क्रीम का, उसका नाम है थायोग्लाइकोलिक एसिड। इसके अंदर इसकी कई सारी फॉर्म इसके अंदर मौजूद हैं। अब ये प्रोटीन, ये जो एसिड होता है, ये क्या करता है, हमारे जो बालों का जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको ये तोड़ देता है, यानी कि जो केराटिन होता है हमारे बालों के अंदर, जो प्रोटीन होता है जिससे हमारे बालों की स्ट्रेंथ बनी रहती है, जिसकी वो शेप रहती है, जैसे हमारे बाल की अपनी एक शेप है, तो वो प्रॉपर एक शेप में बने हुए किस वजह से, उसके एक स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि वो स्ट्रक्चर हमारा मेंटेन है उस प्रोटीन की वजह से। अब ये जो एसिड है, इसके अंदर जो केमिकल्स हैं, ये क्या करते हैं, उनकी जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसको तोड़ देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, आपने देखी होगी मोमबत्ती, जब हमारी मोमबत्ती बिल्कुल कड़क रहती है, जब वो बिल्कुल सीधी की सीधी रहती है, वो हमारा बाल है, और जैसे ही हम उसको गर्मी के पास लेके जाते हैं, तो वो क्या होती है, वो पिघल जाती है अपने आप, बहुत आसानी से टूट जाती है फिर। तो सेम ये काम करता है, हमारे जितने भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट डले हुए हैं थायोग्लाइकोलिक एसिड वाले, ये क्या करते हैं, ये हमारे बाल का जो हमारा प्रोटीन है केराटिन, उसको ये ब्रेक कर देते हैं, और हमारा जो बाल है वो पिंगली हुई मोमबत्ती जैसा बन जाता है, हल्का सा हाथ लगा वो टूट जाता है अपने आप ही। तो ये तो था हमारी इस क्रीम का प्रोसेस, ये हमारी बॉडी के ऊपर काम कैसे करती है, बिल्कुल मैंने सिंपल लैंग्वेज आपको समझाया है। अब आप कह रहे हो भाई इससे प्रॉब्लम क्या है फिर, क्योंकि भाई तोड़ दिया बाल तो हो गया खत्म, लेकिन दोस्तों वेट, अब इसमें जो मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो केराटिन हमारा जो प्रोटीन है, वो हमारे बालों के अंदर ही नहीं रहता है सिर्फ, वो हमारी स्किन में भी रहता है, वो हमारे नेल्स में भी रहता है, तो उसके हमारे साइड इफेक्ट होंगे बहुत सारे, भी मैं आपको उनके बारे में समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस वीडियो में थोड़ी सी जानकारी और देने वाला हूं कि भाई ये जो क्रीम है, ये किन किन लोगों को नहीं लगानी चाहिए, और किस किस हमें बॉडी के किस किस पार्ट पर ये नहीं लगानी चाहिए। एक तो ये क्रीम हमें अपने फेस पे नहीं लगानी चाहिए, दूसरी जो हमें हमारे सिर पर नहीं लगानी चाहिए, एक हमारे नाक के आसपास में अगर किसी के बाल है तो वहां नहीं लगानी है, आपको कान पे भी बिल्कुल नहीं लगानी है, अगर आपके यहाँ पे कान पे, सोच रहे आप कान के बालों को साफ कर दे, नहीं लगानी है। आपकी जो ब्रेस्ट होती है उसके निप्पल्स के आसपास जो बाल होते हैं उन पे भी आपको बिल्कुल नहीं लगानी है। साथ में आपको बता दूं, एक होती है वेरिकेस वेन्स, यानी कि अगर नसें बहुत ज्यादा उभरी हुई हैं आपकी नसें, तो यहाँ पर आपको फोटो नज़र आ जाएगा कि अगर आपकी ऐसी नसें हैं किसी बॉडी पार्ट के ऊपर, तो उन जगह आपको बिल्कुल नहीं लगानी। अब इन जगह लगानी क्यों नहीं है, उसका भी रीज़न आपको मैं बताऊंगा, अभी जब हम साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे तब आपको सारी बातें मैं बताऊंगा। और किन किन लोगों को ये बिल्कुल नहीं लगानी है, ये उन लोगों को बिल्कुल नहीं लगानी क्रीम, जिन लोगों को कोई भी स्किन से रिलेटेड कैसी भी प्रॉब्लम हो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, अगर आपको कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है तो आपको ये क्रीम बिल्कुल नहीं लगानी है। और आपको बता दूं, ये क्रीम आपको 10 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगानी, उसका
भी रीजन आपको भी बताऊंगा जब हम साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। 10 मिनट से ज्यादा बिल्कुल नहीं लगानी है। और ये सारी बातें इस क्रीम के ऊपर, जो भी क्रीम आप लोगे उनके ऊपर सब कुछ लिखा रहता है, मेंशन रहता है कि आपको कितनी देर लगानी है, किस किस जगह नहीं लगानी है। ये मैं अपनी तरफ से कोई बातें नहीं बता रहा हूं, ये सारी बातें इन क्रीमों के ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, इन क्रीमों को लगाने के साइड इफेक्ट्स क्या क्या आपको देखने को नजर आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, कंपनी जो मना कर रही है कि आपको नाक पे, आपको कानों पे, आपको आंखों पे, प्राइवेट पार्ट निप्पल्स पे क्यों नहीं लगानी है और 10 मिनट से ज्यादा क्यों नहीं लगानी है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि भाई इस क्रीम के अंदर जो ड्रग्स डले हुए हैं, जो एसिड डले हुए हैं, उन सब का काम है हमारी केराटिन प्रोटीन को ब्रेक करना, यानी कि उसको डैमेज करना। अब होगा क्या, हमारी जो केराटिन प्रोटीन है वो हमारे बालों के अंदर, हमारी स्किन के अंदर और हमारे नेल्स के अंदर होता है। अब बालों का क्या है, बाल तो आपको पता ही है, वो उनमें अंदर जान नहीं होती है, लेकिन हमारी स्किन के अंदर जान होती है, हमारी स्किन हमारी बॉडी से कनेक्टेड रहती है। अब होगा क्या, जब हमारी बॉडी से वो ड्रग, वो एसिड बहुत ज़्यादा देर तक अटैच रहेंगे तो होगा क्या, वो उस एरिया का, उस स्किन के जितना भी केराटिन प्रोटीन होगा उन सब के स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देगी, यानी कि उन सब को इफेक्ट करेगी, वहां सारा केराटिन प्रोटीन उस सारे प्रोटीन को डैमेज कर देगी। उससे क्या होगा, आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी बहुत सारी, आज नहीं तो आने वाले टाइम में आपको स्किन के रैशेस देखने को मिल जाएंगे। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए लगाते हो तो शॉर्ट टर्म के साइड इफेक्ट्स अलग अलग हैं और लॉन्ग टर्म के साइड इफेक्ट्स अलग अलग हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म यूज़ करते हो, यानी कि एक दो बार आपने यूज़ कर ली उसके बाद आपने बंद कर दी, तो उसके देखो साइड इफेक्ट्स आपको क्या क्या देखने को नज़र आ सकते हैं। उसके साइड इफेक्ट्स आपको देखने को नज़र आ सकते हैं, इचिंग की प्रॉब्लम आपको थोड़ी बहुत नज़र आ सकती है, आपको सूजन वूजन थोड़ी बहुत महसूस हो सकती है, थोड़ा इन्फेक्शन का एरिया थोड़ा आपको महसूस हो सकता है। और अगर आप हम बात करें लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स की, तो देखिए दोस्तों आने वाले टाइम में आपको सोराइसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन रिलेटेड कोई परमानेंट प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। तो इसके जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के साइड इफेक्ट्स अगर उनको देखा जाए तो आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये क्रीम आपको कर सकती है। अगर आपकी बॉडी इतनी इनके जो हार्मफुल जो इफेक्ट है उनसे नहीं लड़ पाई तो आपको इतने सारे साइड इफेक्ट देखने को नजर आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा इस वीडियो में इस क्रीम के, इन जितनी भी क्रीम है ए टू जेड, एक पर्टिकुलर क्रीम के बारे में बात नहीं हो रही है, जितनी भी क्रीम है हेयर रिमूवल वाली, ये सारी इतने सारे साइड इफेक्ट आपको देखने को इन सब के मिल सकते हैं। ये हमारे केराटिन प्रोटीन को ब्रेक कर देंगे और आपको जो है स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा इस वीडियो में इन क्रीमों के बारे में एक छोटा सा रिव्यू, छोटी सी जानकारी। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि भाई ये क्रीम आपको यूज़ करनी है या फिर ये क्रीम आपको यूज़ नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कोई भी जानकारी छूट गई है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, उनके रिप्लाईज आपको जरूर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स हम इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहे हैं, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। तो फ्रेंड चलते हैं हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाय बाय, थैंक यू।